Member of Parliament, Lok Sabha Constituency CT, Mrs. Riti Pathak. She is well known, actually not well known, but an idol of... बहुत ही सुंदर संचालन आपका, जितनी सुंदर आवाज, उतना ही सुंदर बोलने का तरीका, और उतने ही सुंदर शब्दों के भाव. आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जो हमारे सीधी जिले की एक पहचान बन गया है ऐसा संस्थान गणेश इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपने एक नई पहचान को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर स्थापित करने की एक कसम खाई है. ऐसे इंस्टीट्यूशंस में उपस्थित हमारे सीधी जिले में और सीधी जिले के सम्माननीय जस्सा आदरणीय पीसी गुप्ता जी आदरणीय एचएस पांडे जी इस इंस्टीट्यूशंस के इस संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय नीरज शर्मा जी आदरणीय एमपी शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय ओझा जी जिन्होंने अपने व्यवस्था से इस संस्थान को संभाला है. आदरणीय प्राचार्य महोदय पुनीता सक्सेना जी सुनीता सक्सेना जी जे एन मिश्रा जी और इस संस्थान के आदरणीय मोहन कली जी इस संस्थान के सभी ग्रुप मेंबर जो हमारे बच्चों को सीधी जिला के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं उनके व्यक्तित्व को निखार कर उन्हें शिक्षा देकर उन्हें संस्कारित बनाकर और यहाँ पर उपस्थित आप सभी अभिभावकगण प्रिय बहनें और प्रिय बंधुगण और मेरे बच्चों जो यहाँ पर पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते हैं वो जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं आप सभी सम्मानीय गण और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी ऐसे कर्मचारी और इस संस्थान के सभी व्यक्ति जिन्होंने इस संस्थान के को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया है. मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि माहौल जो है वो आपको इस रंग में रंग गया है जो रंग हर तरह के हम सब ने देखे हैं. स्वाभाविक है कि राजनीतिक रंग आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते ना देखना चाहते परंतु मैं आपसे ही जुड़ी हुई कुछ बातें कहूँगी कि जिस तरह से आज इस मंच पर हर रंग को शर्मा जी के मैनेजमेंट ने बिखेरा है चाहे वो देशभक्ति का रंग हो चाहे वो एक मातृत्व का रंग हो और चाहे बच्चों के द्वारा किया गया वो प्रोग्राम जिसने हर चेहरे पर मुस्कान लाया हो और चाहे अन्य किसी तरह के कार्यक्रम हो जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति इतिहास को बताता हो जो ऐसे आदर्श को स्थापित करता हो जिस आदर्श को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं आपने सारे ही रंग को यहाँ पर बिखेरा है. और मैं धन्यवाद देती हूँ आपके उस हुनर को इस काबिलियत को कि जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एकदम अलग सभी इस संस्थान के मेंबर सभी सदस्य आप सब ने बच्चों की इस कला को इस क्षमता को इस मंच पर प्रदर्शित करने का उन्हें मौका दिया. इन 3 सालों में आपका कार्यक्रम नहीं हुआ था पर 3 सालों के बाद बच्चे जब इस मंच पर उतरे हैं तो मैं देख रही थी कि उनके चेहरे पर बहुत उत्साह है बहुत खुश है और उन्होंने आपको धन्यवाद भी दिया. और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों के इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए आप अपने संस्थान में इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष कराते रहें जिससे अपने बच्चे अपनी कला का अपनी प्रतिभा का निखार हम सबके समक्ष प्रदर्शित करते रहे और हमारा सौभाग्य बढ़ता रहे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे ज़िले के बच्चे और हर स्तर में पढ़ने बढ़ने वाले बच्चे इतने प्रतिभावान हैं इतने क्षमतावान हैं. और इन शब्दों के साथ शर्मा जी मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपने 0 से शुरू किया है. मैं सबसे पहले तो आपके माता पिता को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिस पुत्र ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा जिस पुत्र ने इस समाज को इस व्यवस्था को और मजबूत और सुंदर और सुसंस्कृत बनाने के लिए सोचा जिस पुत्र ने अपना सहयोग इस प्रदेश और इस देश में एक नाम बनाने के लिए सोचा कि अगर इस संस्थान का नाम इस देश में होता है
तो स्वाभाविक है कि आज जो हमारे देश का नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि सबका साथ है तो सबका विकास है। और मैंने आपकी जो ये परिकल्पना है, आपका जो ये काम करने का जो तरीका है, आपका जो संस्थान है, मैंने इस संस्थान को बिल्कुल वहाँ पर फिट किया है कि आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के उस विचार को, जो देश को विकसित करने का विचार है, जो देश को आगे बढ़ाने का विचार है, वो सबके साथ के आह्वान से है, तो आपने निश्चित रूप से अपना साथ उनको प्रदान किया है, इस देश के नेतृत्व को प्रदान किया है, इस विदेश के नेतृत्व को प्रदान किया है, और आज आप समाज के लिए, हमारे सीधी जिले के लिए आदर्श बन चुके हैं। एक सांसद के रूप में मैं सदैव सोचती हूँ कि अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम करूँ, ऐसी क्या चीज़ें लेकर आऊँ जिसके कारण हमारे हमारा क्षेत्र अपनी एक अलग पहचान बना सके। परंतु आपने उसी कड़ी में ना कुछ होते हुए भी, किसी राजनीतिक पहचान के बिना भी, आपने स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा किया है और इस समाज में ऐसे संस्थान को खड़ा करके उन अनगिनत बच्चों को, जो हर वर्ग से आते हैं, जो हर स्थिति से आते हैं, उन अनगिनत बच्चों को शिक्षित करके आपने प्रदेश में अपना एक गौरव बनाया, सीधी जिले का गौरव बनाया है, और अब देश में भी आप गौरव बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और उन बच्चों को मेरा बहुत आशीर्वाद है, जो बच्चे अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ने के लिए इस गड़े संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और कुछ ना कहते हुए, और चूँकि मेरे पास शब्द तो बहुत हैं मुझे कहने के लिए, मेरे पास इच्छा भी बहुत है, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा, क्योंकि समय आपका है और इस समय पर मैंने हस्तक्षेप किया है। इस गणेश संस्थान को, जो विकास की राह पर अग्रसर है, जिसने अपने आप को, स्वयं को स्थापित किया है आदरणीय शर्मा जी के माध्यम से, मैं एक छोटा सा अंश इस संस्थान को जरूर देना चाहूँगी, स्वयं से नहीं, जो मुझे आप लोगों के माध्यम से मिला है सांसद के रूप में, मैं अपने सांसद निधि के माध्यम से इस संस्थान को अपने बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसित करने के लिए एक अंश प्रदान करना चाहूँगी, जो 5 लाख रुपए की राशि के रूप में होगी। और आदरणीय शर्मा जी ने और भी बहुत बातें मुझ तक पहुँचाई हैं, तो अगर आप उन बातों के लिए, उन विषय के लिए संपर्क में रहेंगे, तो उनको भी मिलकर हम विभागीय स्तर पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं, बच्चों को बहुत आशीर्वाद है, और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें तभी आगे बढ़ेंगे। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, अनुशासन का ध्यान रखें, और अपने माता पिता को गौरवान्वित करें ऐसे शैक्षणिक संस्थान से निकलकर, जो प्रदेश में स्थापित हो, जो देश में नाम के रूप में स्थापित हो। धन्यवाद। जय हिंद।